रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में कवर्धा मामले पर सियासत तेज हो गई है। कवर्धा में धार्मिक ध्वज के अपमान पर पुलिस द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए तथा उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आज धर्मजयगढ़ युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया। युवा मोर्चा और भाजपा मंडल के संयुक्त नेतृत्व में शुक्रवार की शाम भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता नगर के गांधी चौक में एकत्रित होकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तानाशाह बताते हुए हल्ला बोला। प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की कार्यक्रम में मुख्य रूप से धर्मजयगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष गोकुल नारायण यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष शशि पटेल, महामंत्री शिशुपाल गुप्ता, अनिल पांडे सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कवर्धा में जो बेगुनाह के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसमें जो यहाँ की गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार, उस प्रकार से कुछ एक्शन नहीं लिया गया, उसी को लेकर आज उसी के विरोध में हम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में कुछ? अब आगे का विचार विमर्श अपने वरिष्ठ लोगों से करके रणनीति बनाएंगे। धर्मजयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।